इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। ये इबादत कौन है? वो सीरीज जिसने जिताई है उसका नाम इबादत है। छक्का किसको मारा है सेंचुरी 97 पे? विराट ने वो बदला लिया है कि तूने मुझे आउट कर दिया था। सीरीज हार गया मैं सीरीज पे तो अभी तो आप ईशान किशन और विराट कोहली के नेक्स्टर पे बताएं। ये वही टीम है जिसके खिलाफ 2019 में मारी थी। आपका ये मुद्दा तो नहीं है कि रोहित हटे कप्तानी से तो गेम हो गई? मेरा मुद्दा नहीं है, रोहित भले चांद पे चला जाए मेरे घंटे से, भाई मैं थोड़ी खिला रहा हूँ उसको, मेरी जेब से पैसे थोड़ी ले रहा है कोई, मेरे कहने से क्रिकेट थोड़ी खेली है उसने। मैंने अंगूठा जख्मी किया था, ये उंगली जख्मी करी थी, मगर इधर आ जाए 278 रन की पार्टनरशिप कॉल लोग है यार, ये 9.11 के एवरेज से ठीक है। ये वही बच्चा है जिसको रोहित ने खिला दिया था, विराट ने खिला दिया था T20 वर्ल्ड कप में, रोहित के ऊपर चला गया था खेलने के लिए, मगर उसके बाद फिर इसको मौके नहीं लग सके और आखिरकार 99 रन की आखिरी नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो एक रन से रह गया था ये लखनऊ के अंदर। आज उसने सारा कर्जा उतार दिया, मतलब जितना कर्जा अब्बू पे था वो भी उतारा, अब्बू का कर्जा भी उतारा, रोहित शर्मा का कर्जा उतारा, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था वो उतारा, फिर इंडियन फैंस जो खार में आ गए थे कि भाई तू कुछ भी कर लो सीरीज तो निकल गई। ये तो हमने भी कल बोला था कि भाई 1,00,000 रन मार दो, मगर इस अंदाज से अगर तुम मारोगे वो भी मतलब कल का बच्चा, ये तो कल का बच्चा है, भले 16 करोड़ का है मुंबई के लिए, मगर है तो कल का बच्चा ना यार। ये तो तवक्को मुझे भी नहीं थी कि ये आएगा निकल कर और ये अब्बू के साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छा ये बात ईशान किशन के 113 रन विराट कोहली के, तो इन्हीं की रन है ज्यादा, बाकी ने तो कुछ भी नहीं किया ना। बाकी वो सुंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, सुंदर अच्छा कर गया, सुंदर अच्छे कर गया 37 कर गया 27 पे, बाकी क्या राहुल वगैरह तो बीच वाला दूसरों का तो मसला वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं वो छोड़ो, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें ईशान किशन की जनाब, 210 और इतने शानदार तरीके से धुलाई की है, अनबिलीवेबल। हम लाइव भी थे आपके साथ, लाइव भी देख रहे थे, देखते देखते हम लाइव भी थे जब पता चला कि जनाब अभी 100 हो गया और 10-12 मिनटों के बाद 150 पे और उसके अगले कोई 20-25 मिनट के बाद जनाब वो 200 पे पहुंचा हुआ है। इतनी शानदार किस्म की हिटिंग रेंज ऑफ शॉट्स उसके पास बहुत ही शानदार है, बैट फ्लो उसका वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बैट फ्लो जिस स्पीड के साथ बल्ला घुमाता है और जिस तरह बल्ला उसका जाता है इट इज़ अमेजिंग। स्पिनर्स के खिलाफ फास्ट बॉलर्स के खिलाफ शॉट और शॉट ऑफ रेंज ऑफ शॉट्स भी देख लीजिए कि कहाँ से फाइन लेग से लेके थोड़ी सी लेग साइड पे मिले तो फाइन लेग पे, वहां से मिड विकेट पे, स्ट्रेट पे, ऑफ साइड पे और थर्ड मैन पे, हर जगह एक्स्ट्रा कवर स्ट्रेट हर तरफ से शॉट, मिड विकेट। विराट कोहली का भी जनाब वो जो काफी बैरन रन चल रहा था सेंचुरीज के लिहाज से, तो वो काफी कोई 3.25 साल के बाद ओडीआई में सेंचुरी आई है जो कि बहुत ही खुशाइन बात है और एक अच्छा टैलेंटेड शानदार लेजेंडरी बैट्समैन है और अब लिस्ट में पॉन्टिंग को क्रॉस कर गए हैं, 71 की बजाय 72 सेंचुरियां इनकी हो गई हैं और पॉन्टिंग एक सेंचुरी से पीछे रह गए, तो ओवरऑल 100 सेंचुरियां जो हैं वो भी बनाने वाले नन अदर देन सचिन तेंदुलकर हैं और दूसरे भी जनाब इंडिया से ही अब विराट कोहली। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा, दो मैचेस खेला नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना देगा, 200 रन 10 छक्के 24 चौकों के बाद वो 200 रन। यहां पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कल तक हम बड़े खुश थे कि 150 की लीड पाकिस्तान देगा, इंग्लैंड को फटका देगा, आज पाकिस्तान पूरी की पूरी 90 रन पे आके आउट होगी और यहां पे 90 रन पे सारे आउट होगी, वहां पे 210 रन उसने बना दिए, 210। अगर वो 15 ओवर और खेल जाता, 15 ओवर पड़े थे तो 300 रन आ जाना था, लेकिन जिंदगी में पहली दफा जिंदगी के अंदर मुझे विराट कोहली को जिसको कहते हैं ना देखने को दिल्ली कर रहा था, पता नहीं चला विराट कोहली कब इतने रन्स हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ वो इतना तेज खेल रहा था और ऐसे खेल रहा था, जब वो आउट हो गया तब देखो तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंचा हुआ था, उससे पहले तो पता नहीं था कि विराट कोहली कैसे रन कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन इसके 200 रन के अंदर जितना हाथ विराट कोहली का है ना उतना हाथ किसी का नहीं, जिसने इसको खिलाया है, उसने इसको खिलाया। उसके बाद फिर आप सबको पता है क्या हुआ, 72nd 100 ओडीआई का भी 100 तीन साल के बाद विराट कोहली का आ गया। मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं कि मतलब के पूरे इंडिया की तो ईद हो गई है, सीरीज बेशक हार गई लेकिन इस वक्त जश्न का माहौल होगा, क्यों? क्योंकि विराट कोहली का 72nd 100, पहले एशिया कप में आया 71st 100 T20 के अंदर, अब ओडीआई के अंदर भी आ गया है और अनकड़ी अब टेस्ट मैच के अंदर भी आने वाला है, तो इससे बढ़ के क्या मुबारकबाद हो सकती है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को, के क्या जबरदस्त किस्म के तरीके से उन्होंने 100 मारा, छक्का छक्का, मतलब के जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग हमने को देखने को मिली, लेकिन विराट कोहली का तो 100 आया ही आया है, विराट कोहली का 100 आया ही आया, लेकिन आज अगर मैं ईशान किशन की बात ना करूं तो ये गलत होगा। विराट कोहली की मैंने बड़ी जिंदगी में तारीफें की हैं, लेकिन बनती भी है तारीफ करना, आज उसने कोहली ने भी सेंचुरी मार दी, ईशान किशन ने 200 मार दिए, इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल लगा के दे दिया, कर लो बांग्लादेश वालों चेस, कहा था बैटिंग ट्रैक है और कैसा बैटिंग उन्होंने यूज किया, केएल राहुल की किस्मत बड़ी अच्छी आज के दिन है, क्योंकि वो तो कैप्टन हो गया जिसको कहते हैं ना, आज तो वो हवाओं में होगा कि उसके प्लेट्स चल गए, लेकिन मैं कहूंगा कि ईशान किशन ने आज फिनोमिनल इनिंग्स खेली है। शेखर धवन जल्दी आउट हो गए थे, प्रेशर इंडिया के ऊपर था, लेकिन उस लड़के ने रुका नहीं, उस लड़के ने जो इनिंग्स खेली उसका स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं तो 210 रन 113 बॉलों पे 24 चौके 10 छक्के 160 के स्ट्राइक रेट से। एक तरफ जो इंग्लैंड है वो टेस्ट के अंदर ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है, दूसरी तरफ ये इंडिया T20 वाली क्रिकेट ओडीआई के अंदर खेल रहा है, क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया।